दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ब्लॉगिंग में जो है उनको सक्सेस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो कई बार जो है ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ ब्लॉगिंग में मोटिवेट रहने का। सबसे अच्छा तरीका ये गाइस कि आप ब्लॉगिंग के मेंटर्स की वीडियोज को देखें, उनके सेमिनार्स को ज्वाइन करें, उनके इंटरव्यूज को देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली दीपक नाम के एक ब्लॉगर के बारे में देख रहा था। अभी गाइस वो इंडिया में टॉप 3 या फिर टॉप 4 में आते हैं गाइस, और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉगर हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों उन्होंने बहुत ही कम समय में सक्सेस था गाइस, उनका 22 लाख उनका हो गया था। बाकी ब्लॉगर्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप मेहनत करते हो तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आपको जो है आप सब बहुत बड़े ब्लॉगर बनोगे, लेकिन आपको जो है जरूर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और जो ब्लॉगर्स 1-2 महीना 6 महीना काम करके जो है छोड़ देते हैं गाइस ब्लॉगिंग को, मैं उनके लिए एक बात बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 2 साल ब्लॉगिंग में रुको। अगर आपको ब्लॉगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गया गाइस, तो मैं आपको सच में बता रहा हूं कि आपने ब्लॉगिंग फिर पढ़ाई नहीं। ठीक है, ब्लॉगिंग बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है गाइस, इसमें जो है लगातार कुछ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लॉगर्स बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनके साथ इंटरेक्ट होकर ही पैसा कमाना होगा। सो आप जो है अभी के लिए एससीओ व्यक्ति के चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी मेंटरशिप शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारी वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको डेफिनेटली ब्लॉगिंग में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू।